भोपाल के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राज्य खनिज मंत्रियों के सम्मेलन में देश भर के 20 राज्यों के खनन मंत्री और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में 2022 और 23 के बीच हुई नीलामी के लिए खनन मंत्रियों की बैठक में पुरस्कार घोषित किए गए हैं। खनिज ब्लॉक नीलामी के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर रहा। मध्य प्रदेश ने खनन के 29 खनिज ब्लॉक नीलाम किए, वहीं 20 खनिज ब्लॉक की नीलामी के साथ छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहा। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर रहे। सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश भर की खनन पॉलिसी की विशेषज्ञताएं और विशेषताएं बताते हुए कहा कि खनिज सम्मेलन मध्य प्रदेश में हो रहा है, यह हमारा सौभाग्य है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के नेतृत्व में तेजी से काम हो रहा है। हम भी उड़ीसा के पीछे पीछे चलेंगे और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ने वाला राज्य है। हमारी कोशिश है कि प्रदेश और भी प्रगति पर रहे।